ट्रेन के अंदर भी हम शांत नहीं रहते, और आज तो बड़ा अच्छा है क्योंकि साथ में मैम मिल चुकी हैं। मैम हैं जो मुरादाबाद में टीचर हैं, और साहिल बड़े मजे लेगा क्योंकि साहिल, आकाश और इधर ही बैठा हुआ विवेक। तो बहुत लोगों ने कहा कि ट्रेन में हम क्या करते हैं, ट्रेन में हम कल से बताएंगे कि हम करते क्या। हम शांत नहीं रहते कहीं तो आज फिलहाल चार हम यहाँ पर हैं, 1:45 बीच में है मिराज और शिवम एंड सोवेंद्र 61-62 वो आ गए, लेकिन ये अच्छा है कि एक ही जगह है। जो लोग देखेंगे उनको बता दूं कि चाहे B1 हो यानी कि टोटली ब्लाइंड हो, लेकिन वो सब काम अपने आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जाना पड़ता है, बस एक बार ओरिएंटेशन सही हो जाए। क्यों भाई साहिल? यस सर, बिल्कुल। उसके बाद तो हमारे वो लोग वहाँ पर हैं, अभी मैम इनसे डिस्कस कर रहे थे काफ़ी चीज़ें, तो अब तो इनका अच्छा टाइम पास होने वाला है मैम के साथ भी। मैम भोपाल तक हैं यानी कि कल मॉर्निंग तक हमारे साथ में, और मैं ये कहूँगा हम मैम के साथ हैं, और साथ में साहिल आकाश। साहिल पहले भी कैंप में जा चुका है, तो साहिल सेकंड टाइम है ना तेरा? यस सर। ओके, और आकाश पहली बार इस बार है, और विवेक भी पहली बार है। तो कल से हम ट्रेन में दिखाएंगे कि क्या क्या करते हैं हम एक्चुअली ट्रेन में, पूरा दिन कैसे बिताते हैं। पहली बार जा रहे हो? नहीं, ये लोग करते रहते हैं ट्रेवल में, करते रहते हैं। ये तो इंडिया कैंपर है, पहले भी जा चुका है, और आकाश पहली बार नेशनल खेला हुआ है, विवेक भी नेशनल खेला हुआ है। तो ये है NIPVD टाटा ट्रस्ट हिमोत्थान, ये चल दिए हम, और कल से दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हम चलते हैं। आज फिलहाल यही केरला एक्सप्रेस तो एर्नाकुलम, अब 28 तारीख तक यानी कि शाम तक हम यहीं पर ऐसे ही बैठे रहेंगे, और उसके बाद ये चीज़ अच्छा है कि लंबी जर्नी है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब इस तरह के को पैसेंजर्स मिल जाएं यानी कि मैम की तरह को पैसेंजर्स मिल जाएं तो फिर और मज़ा आता है। चलिए देखते हैं, मिलते हैं।